स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार रघु क्लासेस प्रयागराज में। तो साथियों, हमारा जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का जो टॉपिक है, उसमें हम लोगों ने 4 क्लास देखी है, जिसमें से हम लोगों ने लगभग 2 टाइप कर चुके हैं। आज हम तीसरे टाइप की ओर बढ़ेंगे, एक नए टाइप की ओर बढ़ेंगे। आज हम करने वाले हैं जब व्यक्ति पहले या देर से पहुँचे, यानी कोई व्यक्ति है उसकी स्पीड अगर वो कम में जाता है तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, या ज़्यादा स्पीड से जाता है तो कम टाइम लग जाता है। तो कुछ इस तरह के प्रश्न करेंगे, यहाँ से भी आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिएगा, या फिर आप परीक्षा में बैठेंगे तो वहाँ आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको भी आसानी हो और मुझे भी आसानी हो। तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर होगा, आप लोग पढ़िएगा, खुद से कोशिश करिएगा, खुद से भी समझने का प्रयास करिएगा कि प्रश्न में क्या क्या चीज़ें दी रखी हैं और क्या चीज़ वो हमसे पूछना चाह रहा है। तो देखिए, प्रश्न क्या है, कह रहा है कि यदि राम जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुँचता है, परंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह निर्धारित समय से 4 मिनट पहले पहुँच जाता है। उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी क्या है, क्या है उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी क्या है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ें दी रखी है उसे हम नोट करेंगे। तो इसमें देख सकते हैं क्या क्या दिया है, आपका दिया है 4 1 V1 दिया है, मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद अगर V2 की बात करें तो V2 दिया है आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद क्या दिया है, समय आपका नहीं दिया। कहने का मतलब ये है बच्चे, जब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो उसे जो है समय ज़्यादा लगता है, कितना, 6 मिनट, और जब वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो उसे समय कितना लगता है बच्चे, 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि 4 मिनट कम, मतलब पहले ही पहुँच जाता है। तो हमें जो एक्चुअल टाइम है बच्चे, वो नहीं पता है कि एक्चुअल टाइम क्या है, जो मतलब एक्चुअल टाइम क्या है जिससे कि वो समय पे अपने घर, मतलब विद्यालय पहुंचे, या उसके विद्यालय का जो राइट टाइम है वो क्या है। तो हम लोग मान लेते हैं कि बच्चे कि विद्यालय का जो सही समय है वो टी है। तो सबसे पहले क्या मान लेते हैं, माना जो है माना विद्यालय का जो सही समय है बच्चे कितना है आपका, टी है। क्या है, टी है बच्चे। जब विद्यालय का सही समय टी है तो अगर हम T1 की बात करें, यानी कि पहले जब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाता है तो उसे कितना लगता है समय, टी से 6 मिनट अधिक लगता है, यानी कि अगर हम 6 मिनट कम कर देंगे तो आपका T1 क्या हो जाएगा, T-6 हो जाएगा, यानी टी से जो है 6 मिनट कम लगता है, मतलब 6 मिनट अधिक लगता है। अधिक का मतलब ये होगा T+6 मिनट अधिक देरी से पहुंचता है तो उसे T+6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, T+6, यानी सही समय से 6 मिनट अधिक लगता है। फिर दोबारा क्या है, अगर हम T2 की बात करें, T2 यहाँ से क्या निकलेगा बच्चे कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब वो जाता है तो उसे 4 मिनट कम लगता है, यानी कि 4 मिनट पहले पहुँच जाता है, यानी कि सही समय टी है, टी से वह 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, T-4, यानी कि इतना पहुंच जाता है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा से भी वही दूरी तय करेगा, सेम दूरी उसके घर से जो विद्यालय की दूरी होगी, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भी वही दूरी तय करेगा। अर्थात जो है, अगर हम D1 बराबर क्या करें, D2, यानी कि अगर इससे D1 दूरी तय करता है, इससे D2 करता है, दोनों आपस में बराबर हो, जब दोनों दूरियाँ बराबर होंगी तो हमने आपसे बताया था क्या हो जाएगा, आपका D1 बराबर V1, T1 बराबर हो जाएगा V2 T2। ये तभी होगा बच्चे जब आपस में दूरियां बराबर होंगी। तो इसमें यहाँ देख रहे हैं, दूरियां बराबर हो रही, कैसे हो रही हैं, ऐसे हो रही हैं कि जब 3 से जा रहा है विद्यालय, घर से वो अपने विद्यालय जा रहा है, तो सेम घर से जो विद्यालय की दूरी है बच्चे वो कांस्टेंट है, नियत है, चाहे 3 की चाल से जाए, चाहे 4 की चाल से जाए, चाहे 5 की चाल से जाए, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग V1 T1 बराबर V2 T2 कर सकते हैं, या आप एक तरीका इस तरीके से भी से निकाल सकते हैं। तो V1 बराबर आपका 3 दिया है, T1 दिया है आपका T+6, V2 बराबर आपका 4 दिया है, T-4। क्या T-4 हल करेंगे, 3T+18 बराबर 4T-16, क्या हो जाएगा, 4T-16। आगे हल करेंगे तो ये जाएगा टी, ये इधर जाएगा 16, 18, क्या हो जाएगा, 8, 6, 14, यानी कि 34 मिनट। टी बराबर बच्चे जो आ रहा है आपका, आ रहा है 34 मिनट, यानी कि जो उसका एक्चुअल टाइम है बच्चे वो कितना हो रहा है, 34 मिनट। अब देखिए यहाँ पे जब आपका 34 मिनट टाइम निकल गया, आपको स्पीड पता है, क्या पता है, स्पीड पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, आप दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी आपसे पूछा है, तो दूरी क्या हो जाएगी आपकी,
दूरी चाहे V1 T1 से निकाल लीजिए, चाहे V2 T2 से निकाल लीजिए। तो V1 जो आपका कितना दिया है बच्चे, 3 दिया है। T1 बराबर क्या दिया है आपका, T+6। तो क्या हो जाएगा आपका, 3 गुड़े क्या हो जाएगा 34+6, ये मिनट में है, अगर आप बटे 60 में कर देंगे तो हो जाएगा घंटा में, तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20, 34 46 20 दूना चाहिए, यानी कि क्या आ जाएगा आपका बच्चे 2 किलोमीटर। उसके जो घर की दूरी है बच्चे वो आ जाएगी आपकी 2 किलोमीटर। आप V2 T2 से भी निकाल सकते हैं, T2 बराबर आपका T-4 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका T2 30 हो जाएगा, V2 आपका 4 हो जाएगा, तो 4/2 यानी कि 2, वहाँ से भी आंसर सेम आएगा। एक तरीका तो बच्चे आपका ये हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम करेक्ट हो रहा है। दूसरा तरीका देखिए, इस प्रश्न को हल करने के बहुत सारे तरीके हैं, लगभग 6 से 7 तरीके हैं, लेकिन मैं एक तरीका और आपको बता दे रहा हूँ। एक तरीका तो आपका ये हो गया, जब दूरी समान हो तो आप V1 T1 बराबर V2 T2 कर सकते हैं आराम से, क्योंकि D1 बराबर D2 वो दे रखा है। दूसरा तरीका इसका क्या होगा, दूसरा तरीका हम अनुपात विधि से करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं कि अनुपात विधि क्या है। क्या करेंगे बच्चे, यहाँ क्या दिया है आपका, V1 अनुपात है, अगर V2 की बात करें तो दिया है आपका 3:4। तो जब V1 जो आपका चाल का जो अनुपात होता है उसका व्युत्क्रम कर देंगे तो आज हो जाएगा आपका समय का अनुपात। तो यहाँ से अगर हम T1 अनुपात है T2 की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4:3, क्योंकि जो चाल और जो समय का संबंध होता है बच्चे व्युत्क्रम अनुपात का होता है। दूरी समान है इसलिए क्या हो जाएगा, जब भी दूरी समान रहती है तो जो चालों का अनुपात होता है जस्ट उसी का उल्टा क्या हो जाता है, समय का अनुपात, या जो समय का अनुपात होता है जस्ट उसी का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चे, चाल का अनुपात। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ से अगर T1 की बात करें, मान लेते हैं 4t माना, और T2 की बात करें तो हो जाएगा आपका 3t। क्या हो जाएगा, 3t। अब आपसे आपको दूरी ज्ञात करनी है, हाँ क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो कह रहा है कि जब 3 की स्पीड से जाता है तो उसे क्या होता है, 6 मिनट कम लगता है, यानी कि अगर हम 4t की बात करें, 4t 6 मिनट ज़्यादा लग रहा है, 4t में अगर 6 मिनट कम कर दे और 3t में अगर +4 मिनट कम लग रहा है 4 कर देंगे, तो बच्चे दोनों समय आपस में बराबर होंगे। कैसे होंगे, कह रहा है कि T1 बराबर 4t है, जब इस स्पीड से 3 से जा रहा है तो उसे 6 मिनट अधिक लगते हैं। यदि दूरी में हम 6 मिनट कम कर दें तो आपका एक्चुअल टाइम निकल आएगा। और दूसरी बार कह रहा है कि जब 4 की स्पीड से जा रहा है तो उसे कितना, उसे लग रहा है 4 मिनट कम लग रहा है। अगर हम उसी 3t टाइम में अगर हम +4 को ऐड कर दें तो जो आपका समय एक्चुअल टाइम आ जाएगा 4t-6 + 3t + 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, t बराबर हो जाएगा 10, यानी कि एक्चुअल जो यहाँ हो गया आपका t बराबर 10 मिनट। बात करें अगर हम दूरी D1 की बात करें तो क्या आपका होता है, V1 T1 होता है। आप D2 से भी निकाल सकते हैं क्योंकि दूरी आपकी समान हो, D2 बराबर V2 T2। तो यहाँ से देख सकते हैं आपका, तो V1 आपका कितना दे रखा है बच्चे, 3 दे रखा है। T1 बराबर दिया है आपका 40, क्या दिया है 40, तो 3 × 4 T बराबर दिया है 10, ये 10 मिनट में अगर 60 में करेंगे तो 10/60 हो जाएगा। आप यहाँ से वैल्यू को निकाल, 0 से 0 गया, 3 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, यानी कि बच्चे यहाँ से भी देख सकते हैं आपका क्या आ रहा है, 2 किलोमीटर। क्या आ गया, आ रहा है आपका 2 किलोमीटर, पहले से भी 2 किलोमीटर आ रहा है बच्चे, यहाँ से भी 2 किलोमीटर आ रहा है। आपका दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका इसका क्या होगा, आप दूरी को मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इन दोनों का जो LCM होगा बच्चे उसी को हम दूरी मान लेंगे। वहाँ से भी हल कर सकते हैं, x मान के भी हल कर सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आप अनुपात विधि कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अनुपात विधि एक ऐसी विधि है जिससे आपकी पूरी अंकगणित सॉल्व हो जाएगी। कितना, 2 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ बच्चे, सेम इसी तरीके का प्रश्न है, आप लोग एक बार कोशिश करिए उसके बाद हल करने का प्रयास करिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि एक लड़का अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अपने विद्यालय 3 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह उसी समय घर से चलता है तथा अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है और 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। विद्यालय तथा उसके घर के मध्य दूरी क्या पूछा है, विद्यालय तथा उसके घर के मध्य दूरी आपसे पूछा है बच्चे। तो एकदम सेम इसी तरीके से है, आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, आपको क्या करना है, एकदम वैल्यू को पुट करना है, कॉपी टू पेस्ट, कहने का मतलब जैसे पहला लगा था सेम उसी तरीके से इसको भी हल करना है।
तो क्या क्या चीज़ दिया था बच्चे इसमें? दिया है V1 5 किलोमीटर प्रति घंटा, V1 दिया है आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद फिर क्या दिया है? तो उसके बाद V2 कितना दिया है? V2 कह रहा है कि ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल को बढ़ाता है। आप कन्फ्यूज मत होइएगा, V2 बराबर 4 बच्चे नहीं दिया है, V2 बराबर क्या कह रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल को बढ़ा देता है। तो कैसे बढ़ाता है? पहले 5 थी, अब कर 4 बढ़ा दिया, तो क्या हो गया आपका? हो गया बच्चे 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गया? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद क्या है आपको दिया है? एक्चुअल टाइम आपको नहीं दिया है, कह रहा 3 मिनट पहले पहुंचेगा, इस चाल से जाएगा। अगर इस चाल से जाएगा तो आपका जो है क्या कितना टाइम, तो आपका 3 मिनट ज़्यादा लग जाएगा। तो एक्चुअल टाइम नहीं पता है तो हम लोग मान लेते हैं, सही समय यानी एक्चुअल टाइम बच्चे क्या मान लेते हैं? हम मान लेते हैं टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? टी मान लेते हैं। दूरी बच्चे आपकी एकदम समान है, तो अगर हम T1 की बात करें तो T1 क्या हो जाएगा? T1 क्या होता है? एक्चुअल टाइम T से आपका कितना ऐड कर देंगे? कह रहा है कि 5 मिनट देरी से पहुंचता, 3 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 5 की स्पीड से जा रहा है तो 3 मिनट की देरी से पहुंचता है, यानी कि उसे 3 मिनट अधिक लगता है। अगर हम फिर T2 की बात करें तो कितना कम समय लगता है? कह रहा है कि जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल को बढ़ा देता है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। 3 मिनट पहले पहुंचने का मतलब T-3 कर देंगे तो आपका जो है T2 निकल जाएगा। अब क्या बच्चे क्या हो जाएगा यहाँ से? हो जाएगा क्योंकि दूरी आपकी जब समान है तो हो जाएगा V1 T1 बराबर हो जाएगा आपका V2 T2। क्या हो जाएगा? V2 T2। वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर आपके सामने होगा, 5 हो जाएगा, T1 बराबर T+3। उसके बाद V2 आपका हो जाएगा, V2 आपका दिया है 9 और T2 बराबर T-3। क्या दिया? T-3, यानी कि 5T+ हो जाएगा 15 बराबर 90-27 हो जाएगा। 90-5T यानी कि हो जाएगा 4T बराबर ये 15+27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 15, 27, 7, 5, 12 यानी कि 42 हो जाएगा। T बराबर क्या हो जाएगा आपका? 42/2 या कह सकते हैं 42/4 या आपका हो जाएगा 21/2। क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा मिनट। अब आपसे क्या पूछा है बच्चे? आपसे पूछा है दूरी। क्या पूछा है? तो दूरी आप जानते हैं, V1 T1 बराबर दिया है आपका V2 T2, ये है आपका दूरी। रख देंगे वैल्यू आपका, मान आपका सामने ये होगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका होगा 5। T1 बराबर दिया है आपका T+3 यानी कि T+3, और आगे करेंगे तो 5 T+3 दिया है आपका 21/2+3, ये टोटल मिनट में है, पर बटे में 60 कर देंगे हो जाएगा घंटा में। तो क्या हो जाएगा? 5 21 21 2 3 6 27 बटे क्या हो जाएगा 5×27 बटे क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 60 60 2 120। क्या हो जाएगा? 120। और हल करेंगे आपका तो 27 बटे क्या हो जाएगा? 5×2 10, 5×4 20 बराबर क्या हो जाएगा? 6×4 3×8 24 हो जाएगा, 3×9 27, 9/8 बराबर। और करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 8×1 8 8×1 8 8×2 16 8×40 यानी कि 1.125 किलोमीटर। क्या आ जाएगा आपका? 1.125 किलोमीटर। तो आपका जो दूरी आ जाएगा बच्चे, दूरी क्या आ जाएगा? 1.125 किलोमीटर, ये आपका दूरी आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा बच्चे, वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर इसको जब अनुपात विधि से लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे उसे देखते हैं। 1.125 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। बच्चे अनुपात विधि में क्या करते हैं हम लोग, V1 और V2 का आपका दिया है, क्या दिया है अनुपात, दिया है क्या दिया है? 5:9 दिया है। जब दूरी समान होती है तो जो चाल का अनुपात होता है बच्चे वही है, उसका उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाता है आपका? समय का अनुपात। क्या हो जाता है बच्चे? समय का अनुपात। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माना भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, T1 बराबर आपका 90 या T2 बराबर मान सकते हैं 5T, ये भी मान सकते हैं आप। अगर इसे नहीं मानते हैं तो आपको ये दिमाग में रखना होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी ऑड होगी, इसलिए आप लोग क्या मान लें, 90 5T। तो क्या कहा है? कहा है कि जब 5 की स्पीड से जा रहा है तो उसे 3 मिनट अधिक समय लग रहा है, यानी कि 90 अगर -3 कर देंगे तो उसका एक्चुअल टाइम होगा बराबर 5T। 5T कह रहा है कि 3 मिनट
कम समय लगेगा जब वो V2 की चाल से जाएगा, तो यानी कि अगर उसमें +3 कर देंगे तो जो टाइम होगा वो आपस में हो जाएगा बराबर। तो यहाँ से आपका 4t हो जाएगा, 90 माइनस 54 ये हो जाएगा 40, ये 3 इधर जाएगा 6 हो जाएगा, t बराबर क्या हो जाएगा आपका 3/2, क्या हो गया आपका 3/2 मिनट। तो आपका जो t1 है, आपका t1 क्या है 90 है, तो बराबर हो जाएगा 9 × 3/2 यानी कि 9 × 3 = 27/2 मिनट। ये आपका क्या हो गया, आपका हो गया टाइम। तो आपसे क्या पूछा है, तो दूरी चाहे आप V1 T1 से निकाल सकते हैं या V2 T2 से, तो V1 T1 दूरी यानी कि D1 बराबर हो जाएगा। तो V1 की वैल्यू आपकी है 5, T1 की वैल्यू आपकी है 27/2, ये मिनट में है तो 2 × 60 कर देंगे, घंटा में हो जाएगा क्योंकि 5 जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो बराबर क्या हो जाएगा 5/12 × 27/24 क्या हो जाएगा 1.125 किलोमीटर। तो बच्चे यहाँ से भी आ जाएगा आपका 1.125 किलोमीटर जो है, किलोमीटर जो है उसके बीच घर से विद्यालय की दूरी है। तो दो तरीके आपके पास है, तीसरा तरीका आप क्या है दूरी को इन दोनों का एलसीएम मान सकते हैं, चौथा तरीका आप एक्स मान सकते हैं, मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं इसे हल करने के। तो 1.125 किलोमीटर का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ, बच्चे सेम इसी तरह का प्रश्न है, कॉपी टू पेस्ट है, आप लोग चाहे तो वीडियो को रोक करके उसे आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि बच्ची एक रेलगाड़ी है जिसकी औसत गति है 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, तो यह 15 मिनट की देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचती है। यदि औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो यह 25 मिनट पहले ही पहुंच जाती, तो निम्नांकित में से कौन सी तय की गई दूरी। सेम इसी तरीके का प्रश्न है, कॉपी टू पेस्ट है, आप लोग आराम से हल कर सकते हैं। क्या दिया है, दिया है कि औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि V1 दिया है आपका 50 किलोमीटर, V1 अनुपात V2 कर देते हैं, अनुपात विधि लगा देते हैं इसमें, V1 अनुपात V2 क्या दिया है 50 किलोमीटर, और 50 से जाती है V2 क्या दिया है 60 किलोमीटर प्रति, क्या दिया है आपका 60 किलो, 50 × 60, जब दूरी क्योंकि समान होगी, जब दूरी समान होगी तो T1 × T2 क्या हो जाएगा इसी का उल्टा हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6/5। तो मान लेते हैं, क्या मानते हैं बच्चे, अगर T1 की बात करें तो हम लोग 6t मान लेते हैं, अगर T2 की बात करें तो मान लेते हैं 5t, क्या मान लेते हैं 5t। उसके बाद क्या कह रहा है कि जब वह 50 की स्पीड से जाता है बच्चे, तो वो जो है 15 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि 5t अगर +15 कर दे, 15 मिनट देरी से, यानी 15 मिनट ज़्यादा लगता है, -15 कर देंगे तो उसका एक्चुअल टाइम हो जाएगा फिर क्या है 6t, यार 50 की जा रहा है 6 से टर्म 6t, उसी प्रकार 5t कह रहा है कि जब वो 60 की स्पीड से जा रहा है तो उसे जो है 25 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, यानी कि 25 मिनट और ऐड कर देंगे इसमें तो हो जाएगा दोनों समय बराबर। जब बराबर हो जाएगा यहाँ से t की वैल्यू निकलेगी, यानी कि t बराबर क्या हो जाएगा 25 × 15 होता है 40, तो यह क्या हो जाएगा t बराबर हो जाएगा 40 मिनट। अब आपसे क्या पूछा है दूरी, अगर दूरी d1 बराबर d2 है आपका, या बराबर कर सकते हैं v1 t1 बराबर हो जाएगा आपका v2 t2, तो V1 T1 रखते हैं, तो V1 आपका दिया है 50, T1 की बात करें तो दिया है आपका T1 बराबर दिया है 60, क्या दिया है आपका 60, 50 × 60 क्या दिया है 60, अरे यार T का वैल्यू जो आपका है 40 मिनट में है, बच्चे को कटेगा 60 घंटा में हो जाएगा, काटेंगे 0 से बच्चे 0 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 520 यानी कि क्या हो जाएगा आपका 200 किलोमीटर, क्या हो जाएगा बच्चे 200 किलोमीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बच्चे वो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट, यानी कि 200 किलोमीटर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा जब इसे अनुपात विधि से लगाएंगे। तो बच्चे आप हमें कमेंट में ये चीज़ें आप एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कि क्या जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यदि ना आ रही हो तो आप हमें ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं आने वाले अगली क्लास में और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँ। तो चलें फिर अगले प्रश्न की तरफ, एकदम सेम इसी तरीके का, थोड़ा सा डिफरेंट है, आप लोग माइंड को लगाइएगा, दिमाग को लगाइएगा, आपसे आसानी से हल होने वाला है।
प्रश्न नंबर चार, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कोई बस है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 10 मिनट देरी से अपने स्थान पर पहुंचती है। यदि वह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली हो तो यह सिर्फ 8 मिनट की देरी से पहुंचती है। बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरी करने के लिए सही समय है। देखिए बच्चे सेम इसी तरीके का प्रश्न है। बस इन्होंने क्या कह रखा है, इन्होंने कह रखा है इसके पहले जो करते थे एक बार लेट पहुंचती थी, एक बार पहले पहुंचती थी, लेकिन ये कह रहा कि दोनों बार लेट ही पहुंचती है, तो अनुपात विधि फॉलो करेंगे। क्या दिया है, अगर V1 अगर V2 की बात करें, V1 अनुपात अगर V2 की बात करें तो 80 अनुपात क्या हो जाएगा 90, क्या हो जाएगा 80 अनुपात 90, यानी कि 80 से जा रही है और 90 से जा रही है, या कह सकते हैं इसे 8:9 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं 8:9। तो यहाँ से अगर हम दूरी समान है तो T1:T2 क्या हो जाएगा 9:9 बच्चे 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9:8 हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं T1 बराबर मान लेते हैं 9T, अगर T2 बराबर क्या मान लेते हैं 8T मान लेते हैं। कह रहा है कि जब वो 80 की स्पीड से जाता है बच्चे तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि जो 80 की स्पीड से जाता है उसे 90 समय लगता है। 90 समय में अगर हम 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है माइनस 10 कर देंगे तो समय बराबर हो जाएगा। जब वो 90 से जा रहा है तो उसे लग रहा है 8T समय, कितना 8T समय लग रहा है, लेकिन एक्चुअल टाइम क्या है, कह रहा है कि वो 8 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, यानी कि 8T में यदि हम 8 मिनट माइनस कर देंगे तो जो समय होगा आपस में बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, क्योंकि बच्चे जो एक्चुअल टाइम है वो 9T में 10 मिनट कम कर 10 मिनट एक्चुअल टाइम से 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है, यानी 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो 90 में 10 कम कर देंगे तो एक्चुअल टाइम निकल जाएगा, प्लस 8T क्या है, 8T भी कह रहा है कि 8 मिनट ज़्यादा लग रहा है, यानी 8 को माइनस कर देंगे तो आपका जो है एक्चुअल टाइम निकल जाएगा। तो 90 - 8T बराबर यहाँ से हो गया आपका 2 मिनट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 मिनट, क्योंकि ये जाएगा इधर 9 - 8 एक हो जाएगा, ये जाएगा प्लस, तो 2 मिनट हो जाएगा। तो आपका दूरी क्या होता है, आपका V1 T1 V2 T2 बराबर आप किसी से भी दूरी निकाल सकते हैं, तो V1 T1 निकाले, तो V1 आपका दिया है 80 और T1 बराबर क्या दिया है बच्चे, क्या हम दूरी की बात करें D1 V1 T1 निकाल सकते हैं, तो V1 बराबर दिया है आपका 80, T1 बराबर आपका दिया है 90, क्या दिया है 80 × 9T बराबर 2 मिनट में दिया है, इसे घंटे में बदलेंगे 60 से भाग देंगे, 0 से कटेगा 0, उसके बाद 3 से 3, 3 × 6 2 2 8 3 24, क्या हो जाएगा बच्चे 24 किलोमीटर, यानी कि बच्चे जो दूरी आपकी आ रही है वो आ रही कितनी आपकी 24 किलोमीटर। लेकिन आप बच्चे आपसे इसमें दूरी नहीं पूछा था, इसमें पूछा था कि बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरी करने के लिए सही समय, क्या पूछा था बस के लिए यात्रा पूरी करने के लिए सही समय क्या है, तो बच्चे आपसे पूछा था समय, दूरी नहीं पूछ, दूरी पूछता तो 24 किलोमीटर हो जाता, लेकिन आपसे दूरी ना पूछकर पूछा था सही समय, क्या पूछा था बच्चे सही समय, तो सही समय क्या है बच्चे आपका हो जाएगा, सही समय क्या हो जाएगा बच्चे 90 - 10 कर सकते हैं या 8T - 8, तो आपका हो जाएगा 90 - 10, तो 9 × 2 - 10, 9 × 2 = 18 - 10, यानी कि 8 मिनट, यानी कि उसे जो समय तय करने में जो समय लग रहा है बच्चे वो 8 मिनट लग रहा है, वो 8 मिनट उसका राइट टाइम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चे अगला प्रश्न सेम इसी तरीके का है, सेम कॉपी टू पेस्ट है, आप लोग कोशिश करिए आपसे हल होगा, जब तक बच्चे आप कोशिश नहीं करेंगे आपका कुछ भी भला होने वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको मेहनत करनी, सपने आपके हैं तो पूरा भी उन्हें आपको ही करना पड़ेगा, मेहनत भी आपको ही करना पड़ेगा। तो अगला प्रश्न जो है सेम इसी तरीके से है, कोशिश करिए आपसे हल ज़रूर होगा। तो बच्चे अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यदि कोई गाड़ी जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर चले तो अपने गंतव्य स्थान पर वो है 11 मिनट देरी से पहुंचती है, यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो केवल 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। तो यात्रा पूरी करने में गाड़ी का जो है आपका सही समय क्या है, आपसे समय पूछा है ना कि दूरी पूछा, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे, चाहे यहाँ पर चाहे एग्जामिनेशन हाल में। क्या V1 दिया है आपका 40, V2 दिया है 50, यानी V1 और V2 का जो अनुपात की बात करें तो दिया है बच्चे 40:50 दिया है, और बराबर करेंगे तो 4:5 हो जाएगा। दूरी बच्चे समान है इसलिए आपका T1 अनुपात T2 क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, इसके समय का अनुपात,
5:4। समय को हम लोग क्या मान लेते हैं, T1 = 5T मान लेते हैं, T2 बराबर क्या मान लेते हैं बच्चे, 4T मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 4T। कह रहा है कि जब वो 45 की स्पीड से जाता है तो उसे एक्चुअल टाइम से 11 मिनट अधिक लगते हैं। एक्चुअल टाइम आपका टी है, तो 5T - 11 कर देंगे तो उसका एक्चुअल टाइम 5T समय लग रहा है 40 से जा रहा है, लेकिन वो 11 मिनट अधिक है एक्चुअल टाइम से। बराबर जब वो 50 की स्पीड से जा रहा है तो उसे 40 टाइम लग रहा है, लेकिन जो है एक्चुअल टाइम से वो 5 मिनट अधिक लग रहा है, यानी कि -5 कर देंगे तो एक्चुअल टाइम निकल जाएगा। टी बराबर क्या हो जाए, 11 - 5 = 6, यानी कि टी बराबर आपका आ गया 6 मिनट। तो सही समय जो बच्चे क्या हो जाएगा, सही समय क्या हो जाएगा बच्चे, तो 5T - 11 भी कर सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 × 6 करेंगे, -11 करेंगे, 6×5 = 30 - 11 यानी कि 19 मिनट। जो बच्चे उसका एक्चुअल टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 19 मिनट। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका इसका आप मैंने बताया था, आप V1 T1 = V2 T2 से भी लगा सकते हैं, मतलब कई तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो होता है अनुपात विधि होता है, जो 19 मिनट इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चे आज का जो टॉपिक है यही समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं फिर कल एक अच्छे टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने का पूरा प्रयास करिएगा। थैंक यू क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।